निकाय चुनाव का परिणाम आज आ गया। सुबह से ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतगणना शुरू हुई। सुबह से ही मंडी समिति के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। मेजों पर ईवीएम रखे कर्मचारी और प्रत्याशी सब एक दूसरे को देख रहे थे। हर कोई अपने अपने वार्ड पर टिकटिकी लगाए था। जैसे जैसे परिणाम आते गए, वैसे वैसे परिणामों से किसी के चेहरे खिले तो किसी के मुरझा गए। मेहनत तो सबने की थी, पर जीतना तो बस किसी एक को ही था। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड दी है अपने विपक्षियों को और जितने भी दावेदार थे सामने उन सभी को धूल चटा दी है, तो जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से तैयारी संगठन की अपनी चल रही थी और हमारा जो संगठन है वो टिकट के किसको टिकट मिलेगा इसकी तैयारी में नहीं रहता। अपने तरीके से हमारे बूथ पे, सेक्टर पे, वार्ड पे अपने तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है और हमने पूरी भूमिका के साथ हम चुनाव मैदान में आए और टिकट दिए और हमने जो अब तक हमारे प्रत्याशी जीतते रहे थे उसके 1.5 गुने प्रत्याशी इस बार जीत के आए हैं हमारे और मेयर भी अच्छी लीड लेके जीते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी एक जो कार्यकर्ता थे खौफ सा नजर आ रहा था उसके बाद में, लेकिन उसका यहाँ पर उलट ही देखने को मिला। नहीं, ये तो कोई भी बच्चा साल भर मेहनत करता है, परीक्षा में जाता है, उसे भी खौफ रहता है, तो खौफ तो हर जगह रहता है क्योंकि ये छोटा चुनाव होता है वार्डों में और उसमें अपना ही आदमी अपने सामने खड़ा होता है तो लगता तो है ही उसमें, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि मैंने पहले ही शायद 35 का आंकड़ा उनको दे दिया था कि मैं 35 सीट जीत के महानगर आएगा और आज ये अच्छा है कि 36 हो गई और 4 निर्दलीय हमारे पास, 40 का हम आंकड़ा छू गए हैं और भी हम आगे और बढ़ेगा ये मेरा। सर, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी थे और जो भारतीय जनता पार्टी के ने जिनको टिकट नहीं दिया था वो भी बागी हुए थे और बहुत सारे सवाल भी लोगों ने, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, तो उसका कहीं ना कहीं कोई परिणाम दिखाई दिया या उसका फ़ायदा हो? नहीं नहीं उसका कोई नहीं, देखो भाजपा है, परिवार से जो टूटेगा वो ख़त्म ही हो जाएगा, परिवार परिवार होता है, जब तक पत्ता डाली पर चिपका है तब तक है वो सही और नीचे ख़त्म होते ही उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे ही वो है कि जो विरोध में है वो चला गया संगठन से, चला गया, उसका कोई असर नहीं होता। संगठन है भाजपा का, इतना बढ़िया संगठन है, मुझे नहीं लगता कहीं और किसी पार्टी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मिनी सदन की बात करें, मिनी सदन की बात हुई है और ये भी एक ये भी आपने जीत ली, यूपी में आप हो गए, सेंट्रल में आप आ गए और मुरादाबाद में भी आप आ गए हैं, तो आगे क्या क्या लग रहा है इस नहीं सर, हम आगे देखो प्रदेश की सरकार बढ़िया चल रही है, देश की सरकार चल रही है, मेयर हमारे पास है और नीचे जो सदन का हिस्सा है हम आधे को पार करके जीते हैं और हम क्षेत्र में विकास करेंगे जितना उत्साह के साथ, जितने विश्वास के साथ पब्लिक ने भाजपा का साथ दिया है, भाजपा उसी विश्वास के साथ सब लोगों का विकास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ में महेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बात की है। अब देखना होगा कि मुरादाबाद में जितने वादे किए गए थे वो कितने वादे पूरे होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।